मैं आपको सबसे पहले इस उपलब्धि पर बलियान लाइफ की तरफ से बधाई देता हूं कि आपने यह उपलब्धि की, इसे इस क्षेत्र के साथ साथ जनपद का नाम हुआ है। मैं चाहूंगा कि आपसे बहुत बच्चों की अपेक्षाएं हैं और आपने प्रारंभिक शिक्षा कहां से ग्रहण की और कैसे, कौन सा सब्जेक्ट आपका प्रिय रहा और इस ऊंचाई तक पहुंचने में जो आपके समकक्ष बच्चे हैं वो कैसी तैयारी करे, इस संबंध में जानना चाहेंगे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा पहले गीतांजलि प्राइमरी स्कूल से हुई थी, फर्स्ट टू फिफ्थ तक बरेली से। उसके बाद मैंने 6-12 केंद्रीय विद्यालय NER बरेली से किया है और उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन जो है वो SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई से हुआ है। और आपने जो पूछा कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो उसके लिए मैं बोलूँगी सबसे पहले तो हमें एक प्लान बनाना चाहिए कि प्लान क्या 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 कैसे कैसे पढ़ना है। डेली प्लान, वीकली प्लान, फिर मंथली प्लान। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी है तो आप उसको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा बीच बीच में आप खुद को इवेल्युएट करते रहिए। जैसे आपने डेली टारगेट रखा है कि मुझे इतना करना है और अगर दिन के अंत तक आपसे नहीं हो पा रहा है तो या तो आपने बहुत आइडियल टारगेट बना लिया कि ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, सब कर लेंगे, और या फिर आप सही से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो वो दोनों चीजें आप एनालाइज करिए सोने से पहले और अगले दिन फिर वो गलती नहीं रिपीट करिए, क्योंकि जितनी ज्यादा आप गलतियां करेंगे और रिपीट करते रहेंगे तो ड्यूरेशन उतना बढ़ता जाएगा। आपका इस सर्विस में आपने कौन सा सेवा का क्षेत्र चयन किया है? सर मेरी पहली प्रेफरेंस IAS है, दूसरी IPS है और फिर IRS इनकम टैक्स और फिर कस्टम्स है। तो जो सर्वोच्च प्राथमिकता आपने IAS का चुना है, तो प्रशासनिक सेवा के रूप में कौन सा काम देश के लिए करना चाहते हैं? सर प्रशासनिक सेवा में सबसे पहले तो मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरी ड्यूटीज होंगी और जो मुझे ट्रेनिंग दी जाएगी उसके बेसिस पे मैं उसके साथ जस्टिस कर सकूँ। मतलब जो चीज़ें हो रही हैं उनको ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करूँ तो मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी। उसके अलावा मैं जहाँ भी कहीं रहूँगी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले उस एरिया को समझूँ कि वहाँ की स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं। मतलब जैसे हर एरिया में अलग ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स क्या हैं, मतलब जैसे हर एरिया में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है, तो सब जगह तो हम एक जैसा कर नहीं सकते। तो मैं कोशिश करूँगी कि पहले मैं उस एरिया को समझूँ कुछ समय में, फिर उसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्लान करूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए जो मैं इस एरिया को इम्प्रूव कर सकूँ, चाहे वो एजुकेशन में, चाहे बच्चों के न्यूट्रिशन में, वो सारी चीज़ें मैं देखूँगी। आपको प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो अब तक देखती हैं जो व्यवस्था है उसमें कहीं कमी दिखाई देती है या आपके मन में ये इच्छा होगी कि प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो इस ढंग की है, अगर मुझे अवसर मिला तो मैं इस प्रकार की प्रशासनिक सेवा दे सकूंगी? सर मुझे लगता है हमारे इंडिया की प्रशासनिक सेवा बहुत अच्छा काम कर रही है। जी हाँ, थोड़ी बहुत चीजें रहती हैं वो इसलिए भी है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, फिर हमारे यहाँ थोड़ी सी इलिटरेसी भी है, तो वो दोनों साइड से हो जाता है। ऐसे केसेस में हमें मतलब धीरे धीरे जो गैप है एडमिनिस्ट्रेशन और लोगों के बीच में उसको अगर हम कम करेंगे तो चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी। और प्रशासनिक सेवा के रूप में आप जो काम करेंगी तो वह एक नई पीढ़ी के लिए उदाहरण होगा। दूसरी बात की इस ऊंचाई तक पहुंचने में आपने जो संघर्ष किया है, हम समझते हैं कि यह इस क्षेत्र में जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम देने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक आप उदाहरण साबित होंगी, क्योंकि संघर्ष आपका है और साहस आपका इतना मजबूत है कि आप अपने साहस के बल पर ही इस ऊंचाई को प्राप्त किए। तो आप अपने तरफ से इस प्रकार के जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में शामिल होने वाले हैं वो बेटे बेटियां अपने देश के, उसके लिए क्या संदेश देना चाहें? मुझे बस एक लाइन में ये संदेश देना चाहती हूँ कि कभी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हम जो भी कुछ करें अपनी जिंदगी में उसमें
ये सोचना चाहिए कि उसको बेस्ट से बेस्ट कैसे कर सकते हैं। जी तो अगर आप ऐसा कुछ सोचेंगे तो प्रॉब्लम तो देखिए हर चीज में आएगी, जी प्रॉब्लम नहीं है तो फिर वो चीज करने में मजा भी नहीं आएगा। जी तो और रही बात संघर्ष की, थोड़ा लंबा रहा मेरा सफर, जी पर मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं अंत भला तो सब भला, तो अंत अच्छा रहा। तो और ये अंत है भी नहीं, मुझे लगता है अभी मुझे बहुत कुछ करना है, तो ये बस एक शुरुआत है। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि आपसे शिक्षा ग्रहण करके और इस जनपद के और इस प्रदेश के बच्चे बच्चियाँ ऊंचाई हासिल करेंगी। और आपको बहुत शुभकामनाएं कि आप एक नई ऊंचाई और हासिल करें।